नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस समय नीमच कृषि उपज मंडी में मौजूद है और नीमच कृषि उपज मंडी की जो लहसुन मंडी है उसमें मौजूद है। बात करें तो पिछले 3 दिनों से अवकाश था और अवकाश के बाद आज नीमच कृषि उपज मंडी खुली तो देखने को मिला है कि आज भी फिर बम्पर आवक हुई है। लगभग जो आवक है तकरीबन 20,000 के करीब बोरी की मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो दामों की, तो आज जो दामों में नरमी देखी जा रही है, जो अभी तक का हाईएस्ट गया है वो 32,000 गया है। और हम एक सैंपल दिखाएंगे आपको, जो 32 का गया है वो इस तरह का सैंपल है। ये जो सैंपल है ये गया है, ये 32,000 गया है, ये देखिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये 32,000 सैंपल गया है, तो जो पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो उस हिसाब से कंपेरिजन में दाम कम रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो कुछ और माल है जो 27 के आसपास गया है, तो वो भी दिखाता हूँ। ये जो माल है बबलू भैया इधर दिखाना, ये है, ये तकरीबन 27 के करीब गया है। तो जो आज के जो दामों की बात करें तो जो दाम हैं कमोबेश 2-3 दिनों पिछले दिनों की अपेक्षा काफ़ी फिर से डाउन जा रहे हैं। और एक और चीज़ बात ये रही कि जो आज का अधिकतम भाव अभी तक 32 दिखाई दे रहा है, वहीं न्यूनतम की बात करें ये 32 जो है ऊटी है, और जो न्यूनतम भाव करें ऊटी में तो वो तकरीबन वही 18-15 ऐसा जो छर्री तक का आ रहा है, तो नीचे काफ़ी कम आ रहा है। देसी में भी 22 गया है। तो आज जो दामों में देख रहे हैं कुल मिलाकर गिरावट देखी जा रही है। विजित महाडिक, मार्केट टाइम नीमच। आज 3 दिनों के बाद जब मंडियां खुली है तो काफ़ी आवक रही है, बाहर भी काफ़ी जो है जो वाहन है उनकी लाइन है और अंदर भी करीब 30,000 जो है कट्टे हैं उनकी आवक बताई जा रही है। हमारे साथ जो एक्सपर्ट है एक लहसुन के, मुकेश जी, इनका आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मार्केट टाइम टीवी में। लहसुन 3 दिन के अंदर मार्केट खुली है, बाज़ार आज 2 से 3 हज़ार रुपये डाउन है। 3,000 रुपये डाउन है आज। उसका क्या कारण है? कोटा राजस्थान में अरेवल्स बढ़ गई है। अच्छा। और कुछ और जगह सेल भी कम हो गया नवरात्रि कारण, इसलिए बाजार डाउन है आज। आगे क्या लगता है? किसी में 1,000 है, किसी में 2,000, किसी में 3,000 है, बाजार डाउन है आज। और आमदनी 15 से 20 हज़ार बोरा अंदर है और 15,000 बोरा बाहर है। अच्छा, तो क्या भाव रहा आज? नीचे में 6,000 से 8,000 मीडियम बिक्री है बारीक 9,000 तक, और 9,000 से 27,000 तक भी बिकी आज। जो 32,000 बिक रहे थे वो आज 27,000 बिके बाक्स। किस तरह का वैरायटी थी? देशी माल है। बाजार में 2-3 हज़ार रुपये की मद्दी आज, उतार चढ़ाव चलते ही रहता है। आगे क्या स्थिति बन रही है? आगे कुछ अभी मालूम नहीं पड़ रहा है, कब क्या हो जाए किस मालूम नहीं पड़ रहा है। राजस्थान में भी आवके बढ़ गई है, हमारे इधर भी आवके है, और नवरात्रि के कारण गिराकी नहीं है सेंटरों पे, इस कारण भी थोड़ा मद्दी का दौर है। एक समांतर भाव क्या है आज के? समांतर है 8,000 से 22,000। ये ऊटी तो अभी कम हो रही है? ऊटी कम आ रही है। तो मुकेश जी का कहना है कि राजस्थान में जो है लहसुन की आवक अच्छी हो गई है, इसके साथ ही जो मंदसौर मंडी में है उसमें अच्छी आवक हो रही है, तो कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये यहाँ लहसुन आज डाउन गई है, यानी कि लहसुन की जो कीमत है उसमें कमी आई है करीब 3,000 रुपये। तो व्यापारी कहना है कि 8,000 से 22,000 तक रुपये तक भी मंदसौर मंडी के अंदर लहसुन बिकी है। बेस्ट क्वालिटी की जो लहसुन है वो 27,000 तक बिकी है, वो बेस्ट क्वालिटी की लहसुन है, जिनकी जो बोल्ड जो है लहसुन होती है वो 27,000 तक, लेकिन जो समांतर मार्केट है वो 8,000 से 22,000 तक है। ऊटी की लहसुन थोड़ी कम हो गई है, लेकिन देसी लकड़ी लहसुन जो है काफ़ी मात्रा में आ रही है, करीब 30,000 बोरी अंदर है। उसके अलावा करीब 15,000 जो कट्टे हैं वो वाहनों में पड़े हुए हैं, तो दोपहर में जब मंडी खुलेगी तो वो भी अंदर आएंगे, तो इसके बाद जो है दोपहर का जो है वो अलग रुझान होगा। लेकिन अभी की कंडीशन ये है कि जो लहसुन है मंदसौर मंडी के अंदर वो 8,000 से 22,000 तक जो है यहाँ मंदसौर मंडी में बिक रही है, और 3,000 रुपये तक का आज यहाँ जो कीमत है उसमें कमी देखी गई है। मार्केट टाइम टीवी के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।